अब खेतों में भी होने जा रहा है और कुछ खाद पर ट्रायल भी शुरू कर दिया गया है। ये खाद तरल होता है और आधे लीटर की मात्रा से एक एकड़ की जरूरत पूरी की जा सकती है। पूरे देश में इसका ट्रायल सफल होने के बाद इसको कंपनी इसे बाजार में उतारेगी। नैनो की बड़ी चर्चा होती है, इलेक्ट्रॉनिक्स के बाद मेडिसिन्स में भी नैनो की चर्चा होती है, लेकिन अब एग्रीकल्चर में भी नैनो आ गई है। और ये नैनो है दरअसल फर्टिलाइजर्स, यानी कि जो बोरियों में आप फर्टिलाइजर यूज करते थे, अब एक बॉटल में आपको एक एकड़ के बराबर वो उर्वरता प्रदान करता है। और बड़ी चर्चा है, जो रायपुर में कृषि मेला है उस मेले में इसको डेमोन्स्ट्रेट किया जा रहा है। हमारे साथ रायपुर के हेड इफको के हैं डीएस गोपीनाथ, उनसे बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं दरअसल ये नैनो है क्या। ये नाम सिर्फ नैनो दे दिया है या इसका काम भी नैनो वाला है? इसका जो है ना सिर्फ नाम नैनो है, ये इसको जो है नैनो नाइट्रोजन है जो बोतल मेरे पास रखा हुआ है। और नैनो का मतलब होता है अति सूक्ष्म, यानी कि सिंपल माइक्रोस्कोप से भी इसके पार्टिकल्स दिखेंगे नहीं, ये अति सूक्ष्म होता है। और इसका जो एक्शन होता है, इसका जो एक्टिव सरफेस एरिया का एक्शन काफी बाकी अन्य फर्टिलाइजर से काफी ज्यादा रहता है। और 500 मिलीलीटर जो है ये एक एकड़ के लिए स्प्रे के रूप में किया जाता है। इसमें उर्वरक दक्षता यानी कि फर्टिलाइजर यूज एफिशिएंसी जो है वो नैनो की कन्वेंशनल फर्टिलाइजर से काफी ज्यादा है। तीसरी बात यह है कि ये वातावरण को जो है वो पोल्यूशन नहीं रखेगा, पर्यावरण को जो है ये रक्षा करेगा। कब तक लॉन्च हो जाएगा और कहाँ ट्रायल चल रहा है? लगभग अभी हमारे 2 क्रॉप सीजन्स इसके यूनिवर्सिटी में ट्रायल चल रहे हैं। 2 क्रॉप सीजन्स होने के बाद यूनिवर्सिटी के रिजल्ट के आधार पे और पूरे ऑल ओवर इंडिया में लगभग हमारे 1100 ट्रायल्स चल रहे हैं। तो इनके सबके रिजल्ट आने के बाद, हम 2 क्रॉप सीजन में इसका ट्रायल लेने के बाद फिर हम जो है इसको कमर्शियली, जब अप्रूव हो जाएगा यूनिवर्सिटीज होके करेंगे तो हम इसको फिर कमर्शियली लाएंगे। तो ये आया कहाँ से? ये इंपोर्टेड विदेशी टेक्नोलॉजी है या कहाँ से डेवलप हुआ? हमारे एक कलोल में एक लैब है, एक इंस्टीट्यूट बना है, तो वहीं पे हम लोग इसको नैनो को बना रहे हैं। ये गुजरात कलोल में इसका जो है मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। एक और चीज कि ये ऑर्गेनिक है या केमिकल है? ये ऑर्गेनिक है। तो फिलहाल 3 प्रोडक्ट हैं और ट्रायल बेसिस पे चल रहा है, इंतजार किया जा रहा है कि रिजल्ट्स आ जाएं। रिजल्ट्स आने के बाद इसको देश भर में लॉन्च कर दिया जाएगा और एग्रीकल्चर में एक ये रेवोल्यूशन साबित हो सकता है। रायपुर से रुपेश गुप्ता। पिछले कुछ